माधव जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए, वो बीजेपी की सरकार नहीं करती। तो मैं आपको यहां जो खांडे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको टेंशन में पड़ता था। मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। हम ये नहीं देखते थे हमें गोली वहां से लगेगी या क्या हो जाए। जब मैं सुधर गया उन्होंने लोगों को क्यों नहीं सुधराया। मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए मैंने वोट डाला है। हर किसी को बोलता है मोदी जी को कामयाब करो, बच गया हूं ना मैं। मेरी जैसे हजारों नौजवान लाख नौजवान बच गए। पति है मेरा वो गैर मर्दों के पास ले जाले जाके मुझसे गलत काम कराता, उनसे पैसे ले लेके उनके घर वालों को बताती, बहन भाभी माम भाई सब मारते हैं मुझे बहुत ज्यादा। उसके बाद भी जो मेरे देवर है जेठ है उन लोगों ने भी इस बात का फायदा उठाया मेरे साथ। जब मैं घर पर अकेली थी मेरे साथ जबरदस्ती की, रेप किया मेरा मेरे देवर जेठ ने। ये बात भी मैंने अपने ससुराल वालों को बताई तो इस बात पे भी उन लोगों ने मुझे बहुत मारा और धमकी दी कि अगर किसी को भी तुमने बताया तेरी बच्ची को भी मार देंगे तुझे भी मार देंगे। अब मुझे कहीं से भी कोई भी इंसाफ नहीं मिला, मैं बहुत ज्यादा परेशान।